एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल रिट्स वर्ल्ड द कंप्लीट कॉर्नर में। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूं वो बहुत खासम खास है क्योंकि उससे गर्ल्स लेडीज सबको रिलेट कर सकती हैं। जी हां, आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या जो कि सबको रहती है हेयर रिमूवल, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऐसे कोविड के टाइम पे कोई जल्दी सैलॉन या फिर पार्लर जाना नहीं चाहता है, वैक्स कराने से भागता है, वो पेनफुल वैक्स लेना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत ही कहीं जाना है लेकिन अभी हमारे पास सैलॉन जाने का भी टाइम नहीं है, उसके बदले हम लोग शेप या फिर कोई और रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही बढ़िया एक फ्रेंड सजेशन के थ्रू मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता चला हाल ही में, जिसका रिव्यू लेकर के मैं आप लोगों के पास लेकर के आई हूँ, वो है ताज सोप हेयर रिमूवल। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, चलते हैं वीडियो की तरफ बिना लेट किए हुए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने ही शेयर कर रही हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स गो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पाँव में छोटे छोटे हेयर्स हैं ऑलरेडी, और इसी तरीके से मैं पहले एक कटोरी ले रही हूँ और उसमें जो कि ताज सोप है वो एक टिकिया के बराबर ही है, उसको मैं पूरा पानी में भिगो दूंगी। जैसे कि ऑलरेडी उसमें जो भी तरीका है वो लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि वो एक पेस्ट की तरह फॉर्म हो सके, जैसे कि हम लोग फेस मास्क वगैरह बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे ही हम पानी डालेंगे वो हल्का हल्का गलना शुरू हो जाएगा और वो एक पेस्ट का फॉर्म ले लेगा। देन इसके बाद हम इसको रुई यानी कॉटन बॉल या फिर किसी ब्रश के थ्रू ही अपने पाँव पे और हाथ पे अप्लाई करें। मैं गलती करती थी, मैंने उंगलियों के हाथ से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसका मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी स्किन बर्न हुई है। ऐसा आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, ब्रश ज़रूर यूज़ करिएगा। इसे लगाने के बाद 2 से 3 मिनट सिर्फ छोड़ना है, एंड देन उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से, जिस तरह भी आप वॉश करते हैं बिना सोप यूज़ किए, आप उसको नॉर्मल पानी से सिर्फ धुल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ये सूख चुका है, 2 से 3 मिनट ये टाइम लेता है और देन उसके बाद से इसको वॉश कर देना है। आफ्टर वॉश आप ऑलरेडी देख सकते हो कि मेरे लेग्स कितने स्मूथ हो चुके हैं, मुझे ये खुद फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इसको अच्छे से पोंछ लेने के बाद आप कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं। वीडियो ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट यूं ही करते रहिएगा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक बात और बता दूं कि जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, उन्हें इचिंग या रैशेज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो पहले थोड़ा सा यूज़ करें अपने हाथ पे चाहे पाँव पे लगा के कि क्या उन्हें इचिंग या रैशेज़ तो नहीं हो रहा है, तभी वो फुल बॉडी या लेग और हैंड पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी के प्रोसेस ऑलरेडी इस बॉक्स में लिखे हुए हैं, मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर टू ऑल।